हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल ज्ञानी इनफ लेकर आया हूँ आपके लिए। फोर्ड एंडेवर का जो म्यूज़िक सिस्टम का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम इसका, उसका आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसके जो जो भी फंक्शनैलिटी है, जो जो फीचर्स हैं वो आपको मैं बताऊं, तो उसी का मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या क्या आपको उसमें मिल जाता है, क्या क्या सिस्टम्स मिल जाते हैं, क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, आपको प्रॉपर टच स्क्रीन पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है फोर्ड ने। यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे आपके जो चीज़ें, आपको जो फीचर्स है वो आपको डिस्प्ले कर रहा है। ऑडियो हो गया, क्लाइमेट हो गया, फ़ोन हो गया, नेविगेशन हो गया, मोबाइल ऐप्स हो गया, सेटिंग्स हो गया। एक एक करके क्लिक करके देख लेते हैं कि क्या मिलता है। तो क्लिक, तो जो इसका टच है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रिस्पॉन्सिव है। यहाँ से आप क्लिक करके इसको टच करके ऑडियो पे जाके अपना रेडियो वगैरह जो है वो स्ट्रीम कर सकते हैं। जो आपके फेवरेट रेडियो चैनल्स हैं वो आप इसके थ्रू सुन सकते हैं उसके बारे में, जो जैसे आपका रेड एफ एम हो गया, बिग एफ एम हो गया। इसके अलावा अगर क्लाइमेट पर जाते हैं, आप यहाँ से अपना क्लाइमेट जो टेम्परेचर है वो सब आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे भी फ़ैन का टेम्परेचर हो गया वो सब आप एडजस्ट कर सकते हैं, उसका पूरा कंट्रोल आप कर सकते हैं इसके टच के थ्रू। इसके बाद फ़ोन हो गया, जैसे आपको अपना फ़ोन पेयर करना है, फ़ोन टेलीफोनी करनी है आपको, ब्लूटूथ से आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं अपना फ़ोन, और अपना फ़ोन आप एक्सेस कर सकते हैं। सारा अपना जो डेटा है, कॉन्टैक्ट्स हैं, वो सब आप एक्सेस कर सकते हैं। नेविगेशन जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है आजकल की हर गाड़ी का, जैसे आप जानते हैं ये तो वैसे भी SUV, तो इसको आप लॉन्ग रूट पर डेफिनेटली ले जाएंगे, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी। इसमें आप सारा ऑल ओवर वर्ल्ड आप घूम सकते हैं, इससे कहीं भी जा सकते हैं, आपको पूरा प्रॉपर नेविगेशन मिलेगा इसमें। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा प्रॉपर मैप मिलता है इसमें। इसके बाद दोस्तों, अब अगर मैं चलता हूँ वापस होम पे टच करता हूँ, तो आप देख रहे हैं मैं वापस होम पे आ गया हूँ। होम की बटन आपको ऊपर मिल जाती है। चलता हूँ मोबाइल ऐप्स पे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आप अपना डिवाइस वगैरह ऐड कर सकते हैं, मोबाइल ऐप्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है। और जो ओवरऑल जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो टच क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी लग रही है मुझको। जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा और रिस्पॉन्सिव टच है। इसके अलावा दोस्तों, आपको जो सेटिंग्स में आप आते हैं, तो आपको साउंड, क्लॉक, ब्लूटूथ, फ़ोन, जो ऑप्शंस नीचे थे वो आपको ऊपर मिल जाते हैं। यहाँ आप जाके इसको सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे साउंड हो गया, आपको इसमें जैसे मान लीजिए अपना बेस एडजस्ट करना है, ट्रेबल एडजस्ट करना है, मिड रेंज एडजस्ट करना है, वो सब आप कर सकते हैं। यहाँ से आप स्क्रॉल करके इसके और फीचर्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप चलते हैं पीछे, यहाँ पर अपना क्लॉक वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, क्लॉक का टाइमर वगैरह है, डेट वगैरह, वो सब आप एडजस्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ से अपना फ़ोन एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो मुझे खोल के दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फ़ोन हो गया, फ़ोन में आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्कवर फॉर ब्लूटूथ डिवाइसेज, सिस्टम भी आपको बोल के बता रहा है कि सर्चिंग फॉर ब्लूटूथ डिवाइसेज, इसके थ्रू आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं। इसके दोस्तों नीचे आप देख रहे हैं रेडियो हो गया, तो रेडियो को मैंने आपको बताया, जो भी सेटिंग्स वगैरह आप यहाँ से वो कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये आपको अपना रेडियो वगैरह ढूंढना है या जो भी करना है सेटिंग्स रेडियो की, वो आप यहाँ से मिल जाएंगी आपको। मोबाइल ऐप्स हो गए, यहाँ पे सारे आप मोबाइल ऐप्स अपने जो भी हैं वो आप इनेबल कर सकते हैं। अगर दूसरा सेटिंग्स देखते हैं इसका, तो ये आप देख रहे हैं जनरल, जनरल में आप जाके जो लैंग्वेज वगैरह है, डिस्टेंस का आपको जो है सेल्सियस वगैरह, टेम्परेचर वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है, किस उसमें चाहिए आप, वो सब एडजस्ट कर सकते हैं। और भी चीज़ें इसमें हैं, जैसे आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस वगैरह, अबाउट सिंक वगैरह, वो सब आप इसमें देख सकते हैं। चलते हैं पीछे, इमरजेंसी सर्विसेज आपको इसमें मिल जाती हैं। दूसरे पेज पे आ जाते हैं, दूसरा पेज भी शायद दे रहा है। तो ये आपका वाईफाई हो गया, वाईफाई आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं, जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है आपको इसमें, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों। आजकल एंड्रॉयड ऑटो के बिना तो आप किसी भी कार को सोचते नहीं कि कोई कार हो, वो आपको इसमें मिल जाता है। और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसके अलावा आप देख रहे हैं व्हीकल पर क्लिक करता हूँ अगर, तो कैमरा सेटिंग्स मिल जाती हैं, जैसे कि जो बैक का कैमरा है वो आपको एडजस्ट करना है, वो सब आपको मिल जाता है। रियर व्यू कैमरा डिले, एनहांस्ड पार्क पायलट में जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें ऑटोमेटिक आपको पार्किंग मिल जाती है, उसकी सेटिंग्स आप यहां से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, चलते हैं पीछे पीछे और देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आपका जैसे डिस्प्ले हो गया, आप इसमें अपनी ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, मोड वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी डिस्प्ले के फीचर्स होते हैं वो सब आपको इसमें मिल जाते हैं। वॉइस कंट्रोल के जो भी कमांड्स वगैरह हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे वॉइस कमांड लिस्ट आपकी जो इनेबल है अभी, एडवांस मोड आपको इनेबल करना हो कर सकते हैं, कॉल कन्फर्मेशन आपकी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपका है वैले मोड, वैले मोड हो गया, जैसे आप गाड़ी जब पार्किंग देते हैं वैले को, आप किसी बड़े होटल वगैरह जाते हैं वहाँ वैले पार्किंग होती है, उसका आप यहाँ से कंट्रोल ले सकते हैं लॉकिंग वगैरह का। इसके अलावा आप जो एम्बियंट लाइट है वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, आपको जिस कलर में भी चेंज करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो रेड आपको करनी है रेड कर दीजिए, ग्रीन करनी है ग्रीन कर दीजिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ब्लू करनी है तो ब्लू कर दीजिए, जो भी कलर आपको चेंज करना है वो आप इसके थ्रू यहाँ से कर सकते हैं, जो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। ऑरेंज करना तो आपको पूरी वैसे ही एम्बियंट लाइटिंग मिल जाएगी, तो इसमें आपको वाइस ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, सॉफ्ट ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, काफ़ी कलर्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये थे सारे जो फीचर्स और जो चीज़ें आपको इसके इंफोटेनमेंट में सिस्टम में मिलती हैं, वो सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, सारी दिखा दी कि इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। नीचे मैंने आपको बताया था अपने इस गाड़ी के रिव्यू में कि आपको नीचे 2 USB मिल जाती है, इसके थ्रू आप अपना पेनड्राइव से भी डेटा इसमें प्ले कर सकते हैं, गाने हो गए, वीडियोज़ हो गए, वो सब आप ले सकते हैं। अगर हाईलाइट फीचर की दोस्तों बात करते हैं, तो आपको जो सबसे अच्छी चीज़ में मिल जाती है वो है एंड्रॉयड ऑटो, जो आजकल एक एडवांस सिस्टम माना जा रहा है। एंड्रॉयड आप जनरली जानते हैं कि वर्ल्ड में 70-80% लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन ही हैं,
तो वो आपको जैसे एंड्रॉयड ऑटो है तो पूरा आपका नेविगेशन में बहुत हेल्प करेगा, आपका जो डेटा फ़ोन पे है उसको कॉलिंग वगैरह में काफ़ी अच्छा फीचर है जो मुझे ये लगा, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर आजकल माना जा रहा है किसी भी इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए, वो आपको इसमें मिल जाता है। लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी है तो कंपनी ने कोशिश की है कि आपको आपके मनी की पूरी वैल्यू मिले, तो उसी हिसाब से आपको सारे फीचर्स दिए गए हैं। एक ये हाईलाइट फीचर भी है गाड़ी का जो इसको एक बहुत अच्छा, इसके डैशबोर्ड को बहुत ही प्रॉपर एक बहुत ही अच्छा लुक देता है। जैसे मैं पीछे से भी आपको पूरा डैशबोर्ड दिखा देता हूँ, अगर आपने मेरा रिव्यू वीडियो नहीं देखा है इसका तो आप एक लुक ले लीजिए पूरा जो इसका फ्रंट का पूरा डैशबोर्ड और पूरा इंटीरियर है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो रिव्यू जो फोर्ड एंडेवर टाइटेनियम मॉडल का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके बारे में लेके आया आपके लिए। आपको दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस गाड़ी के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तब तक दोस्तों देखते रहिए ज्ञानी इनफ, थैंक यू, थैंक्स अलॉट, लेकर आता रहूँगा और वीडियोज़ आपके लिए। टिल देन बाय बाय।